मिलिए बड़की से, इनकी पहली मूवी है तो इनसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। So funny. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सेकंड फिल्म विशाल जी के साथ है और तुम्हारी भी दूसरी फिल्म है अभी तक तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है, बट है तो ना दूसरी है बहनों के वाली, बहनों के साथ वाली तुम रहने दो कोई, लेकिन पहली फिल्म है 10 फिल्मों के बराबर थी। क्या बोल, मैं आप बोली, अच्छा मैं बोलूं, मैं जब इन्होंने भी अपना बताया कि जब सर का कॉल आया तो मेरी मैनेजर का भी मुझे कॉल आया था और तब मैं एक और फिल्म का शूटिंग कर रही थी दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि विशाल जी एक फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में फिल्म तो बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हें ना उसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा टेस्ट तो करना चाहते हैं, मतलब कर देंगे अभी, मिले ना मिले कोई बात नहीं, विशाल जी के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा। पर मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि सर आप मुझे फिल्म में दे दो, मुझे ये था कि अभी बाय Me. पहले सर के दिमाग में भी नहीं था टेस्ट से पहले, वो तुम्हारा टेस्ट देखने के बाद उनके दिमाग में आया। नहीं, और जब मैंने वो तीन सीन मैंने पढ़े और मैं पढ़ के बहुत खुश हुई, क्योंकि छुटकी आई थिंक मैं बाहर से तो ऐसी हूँ पर अंदर से मैं बिल्कुल छुटकी हूँ, और ऐसी लड़ाइयाँ कुतिया खुजली वाली मैं हमेशा से करना चाहती थी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और रही बात बड़की की, वो बस आ गई। मैं आपको अपना, तुम्हारी तरह नहीं, हमारे पास सेट पे स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी, हमें मेहनत करना होता था, ऑडिशन देने होते थे। मैंने भी दिया है। ओह प्लीज। सो मेरे तीन राउंड हुए हैं ऑडिशंस के। भाई तीन राउंड लगे सोचो। मेरे को तीन राउंड। पहले दो में मैंने पार कर लिया काफी लोगों को पिछाड़ के, एंड देन थर्ड राउंड में मुझे विशाल सर मिले, एंड मुझे भी ऐसा लगा था मुझे क्यों लेंगे करीना, बट थैंक यू सर एक न्यू कमर में अपना बिलीव दिखाने के लिए, एंड आई लव द जर्नी, एंड इतना कुछ सीखा है मैंने, एंड कितना कुछ सिखाया है मैंने सान्या को, गुरु नहीं है बिल्कुल भी। बोल बेटा बोल। पर बीड़ी पीना किसने सिखाया ये बताओ, बीड़ी तो पीना मैंने, थैंक यू गाइस, इन्होंने बिल्कुल नहीं सिखाया है, हमने खुद सीखा। खुद ही है, मैंने कहा कि विशाल सर क्या पहली बार क्या बोला था राधिका ने तुम्हें? ओह हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहूँगी। तो मैं पहली बार राधिका से मिल रही थी और मैं जब पहली बार लोगों से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा सेमी सेमी डरी डरी सी हूँ। तो मैं वैसी थी राधिका के साथ और राधिका एकदम ऐसी की हाय कैसी हो, ऐसी मिली मुझे और मिलती ही विद इन 10 मिनट्स शी वाज लाइक मैं तो तुझे खा जाऊंगी। और मेरे दिमाग में ये था कि हे भगवान ये मुझे क्यों खाएगी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उसने ऐसा कुछ बोला। पर फिर मुझे ये बहुत उसके साथ काम करके पता चला कि ये बात ही ऐसे करती है और मतलब Thanks. ऐसी ही है, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था, मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर यही सब आता रहता है। एंड सान्या ने भी मुझे सेकेंड हाफ से पहले बोला था, मजाक में बोला था, मैंने तो बड़ा सीरियसली स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था तुझे यार रात का। ओ प्लीज सेकेंड हाफ से पहले सान्या ने मुझे धमकाया कमरे में बुला के, आगे से कभी ऐसा अंजी नहीं, उसने बोला तू तो गई बेटे सेकेंड हाफ तो मेरा है। झूठी तूने बोला, तूने बोला, और मैं बेचारी वेट गेन की हुई भाग भी नहीं पाई, भाग भी नहीं पाई वहां से। ये अभी भी देखिए कैरेक्टर में अभी भी लड़ रही है दोनों ने, अभी हैंगओवर उतरा नहीं है पिक्चर की शूटिंग का, क्या बताएं। लेकिन आप आपका है, अच्छा बाल नोचने में कितना मजा आया एक दूसरे का सबको बताना चाहेंगे आप? क्या ही बताऊं, एक जो सीन था जो जब आप गोबर फाइट कर रही थी एक्चुअली, जब हम वो हां और एक माउंट आबू में तो जो चमाट मारी थी आपने, तो वो भी वो किस सच पे दिल से मारी थी या लग गई थी या क्या? आपको चमाट मैं बताती हूं क्या, तो हमारे फिल्म में एक बेली फाइट हुई जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाटे मारे जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और पहली फाइट स्टार्ट हुई, राधिका जी ने मुझे लात मारना स्टार्ट किया, एक बारी पड़ी, दो बारी पड़ी, तीन बारी पड़ी और मेरे यहाँ पे मुझे स्पैज़म हुआ। तो मैंने राधिका को साइड ले जाके पूछा तू लात मारने वाली है या चाटे मारने वाली है, तो उसने बोला कि मैं जो भी आएगा मुझे करेंगे। अब सेकंड फाइट स्टार्ट हुई, अब मैं बताऊंगी ठीक है, मैं ऑलरेडी गिल्ट में थी कि मैंने लाते मार दी उसको, मैंने फर्स्ट फाइट में खा भी लिया था उसका बदला, इसने ले लिया था तभी। सेकंड फाइट हुई तो मैं ऑलरेडी काफ़ी कॉन्शियस थी एंड मुझे नहीं करना था, तो
मैं स्टार्ट होती है तो फाइट स्टार्ट होती है, मुझे टर्न करते हैं, मुझे थप्पड़ लगाते हैं खिंचा के, तो मुझे लगा क्या ही कर लेगी, कितना ही कर लेगी। तो मैं जाती हूँ, स्टार्ट होता है, मैं पलटती हूँ, खिंचा के इसने मेरे को एक लगा, खिंचा के, और पूरा सेट साइलेंट, पूरा सेट। और मैंने खुद से मुझे आगे करना था, मुझे आगे मारना था, और मैं सिर्फ शांत थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हुआ था। सेकंड फाइट से पहले मैंने से पूछा था कि तू चाटे मारने वाली है, क्योंकि मैं तो एक्टिंग करूंगी, तुझे बोला चाटे तो मैं जरूर मारूंगी, तो ये मेरे दिमाग में रह गया कि ये चाटे जरूर मारने वाली है, तो इससे पहले मैं कहूं मैं पहले ही मार देती हूं। तो जी हाँ, फिर और ये वो पोस्टर है सेकंड फाइट से पहले का, और ये जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ नहीं है, ये असली गोबर, ये असली गोबर है, तो जिसका अलग ही सुकून था शूट करते समय, क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें बहुत ठंड लग रही थी, और जब तक हम गोबर में पहुंचे हम दोनों बहुत खुश थे। हाँ। तो हमें लग रहा था हाय हाय गरम गरम गोबर, बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तेरा मुंह डालूंगी गोबर में, अब तू मेरा मुंह डाल, अब हो रहा था कि मेरा मुंह डाल दे यार, मेरा मुंह डाल दे प्लीज यार, और ये बरसात नहीं है, ये गोमूत्र है। ये नहीं पता था मुझे, इसके ऊपर ये नहीं पता था सर। आने पर लड़ाई से आके एक बार सानिया ने मुझे बोला था कि आप प्लीज कट मत करना, हम लोग मारेंगे एक दूसरे को, तो आप कट मत करना, कभी डर के मारे कट कर दो। हाँ। हम एक दूसरे को मारेंगे डिसाइड नहीं होता कि मैं मारूंगी, इसलिए सोचा था, बोला था एक दूसरे को मारेंगे, मैं मारूंगी, और राधिका चुपचाप खड़ी रहेगी और सेट पूरा चुप होगा कि अब क्या होगा। बहुत मजा आया, जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन था राधिका पे वो खा जाए वाली बात पे मैंने सारी फाइट। और जब आप फिल्म के सेकंड हाफ के लिए जब आप तैयार हुई, ऐसा बड़ा कम रेयर होता है कि मैं कोई भी लड़की सिर्फ खाती है सेट पे, मैंने ये देखा जब भी शॉट नहीं है तो वो सिर्फ खा रही है, इन दोनों का काम था सिर्फ खाना, विशाल सर ने इस वजह से एक महीना ब्रेक लिया कि ये सिर्फ खाएंगी और वजन बढ़ाएंगी, तो वो अनुभूति कैसी थी आप लोगों की? एक्चुअली लोग डरते थे कि हमें यूजुअली होता है कि यू नो आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड यू नो आई नीड टू वर्क आउट एंड दिस एंड दैट, बट ये पहला सेट था जहाँ पर लोग टेंशन में आ जाते थे कि एक किलो पतला हो गई है, एक किलो पतली हो गई, इसको क्या करें, शिट क्या करे, खाना लो। ये पहला सेट था जहाँ पर ऐसा होता था, और हमें भी लगता था हाँ यार, हमें टेंशन होती थी कि हम कैसे लूज कर रहे हैं यार, क्यों इतना खा रहे हैं हम, हाँ यार मैं पतली लग रही हूँ ना, नहीं यार मोटी लग रही है। बट बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है दंगल से पहले मैं काफ़ी अनहेल्दी थी, मैं रोज़ पिज्ज़ा खाती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी, वो दंगल के बाद मुझे ऐसा फिटनेस का जरा चस्का, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, बट मेरा मैं हर दिन अगर मैं कुछ भी फॉलो कर रही होती थी डाइट, मैं हमेशा चीट करती थी, और मुझे लगता है ये पटाखा के इस बाद अपने डाइट पे बिल्कुल चीट नहीं किया, क्योंकि मैंने एक महीना बहुत खाया और जम के खाया, और कितना मज़ा, मतलब सेट पर 6 पैनकेक आ रहे हैं, अब फ्रेंच फ्राइज आएंगे और सैंडविच आएगा, अब हम थोड़ा शेक वेक पी लेते हैं, बहुत बहुत मज़ेदार। डर लगता था लोगों को अपनी प्लेट प्लेट बजाना कि कुर्सी में ही ना खानी शुरू कर दें। ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।